आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय थल सेना के लिए बनाए जाने वाले 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल अर्थात FICV प्रोग्राम के बारे में। कल भारतीय थल सेना की तरफ से 1750 FICV व्हीकल्स को लेकर एक RFI रिलीज की गई है और इस RFI के तहत भारतीय थल सेना इन व्हीकल के 3 अलग अलग वेरियंट अपने बेड़े में शामिल करेगी। वैसे यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि ये सारे के सारे व्हीकल ट्रैक्ड व्हीकल्स होंगे, जिसका मतलब है कि टाटा कैस्ट्रल इस प्रोग्राम से बाहर रखा गया है। इन 1750 यूनिट्स में से 55% गन वेरिएंट होंगे, वहीं पर 20% कमांड वेरिएंट होंगे और बचे हुए 25% कमांड वेरिएंट ही होंगे, लेकिन इनके पास सर्वेलेंस कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर इस RFI को ध्यान से समझा जाए तो भारतीय थलसेना की सबसे पहली रिक्वायरमेंट टेरेन रिक्वायरमेंट है और भारतीय थलसेना एक ऐसा व्हीकल चाहती है जो कि भारत की हर तरीके की टेरेन, चाहे वो प्लेन हो, डेजर्ट हो, हाई एल्टीट्यूड रीजन हो जैसे कि लद्दाख या सिक्किम जैसा इलाका हो, ये सिस्टम हर तरीके के वेदर में और हर तरीके के टेरेन में ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो भारतीय थलसेना की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग टाइमलाइन देखी जा रही है। भारतीय थलसेना चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट के बाद में 2 साल के अंदर पहला FICV व्हीकल भारतीय थलसेना को मिल जाना चाहिए। वहीं पर अगर डिलीवरी रेट की बात की जाए तो भारतीय थलसेना चाहती है कि हर साल लगभग 75 से 100 यूनिट ये FICV ट्रैक्ड व्हीकल भारतीय थलसेना को मिलना चाहिए। और इस हिसाब से अगर हम लोग 1750 यूनिट अर्थात 1750 यूनिट की डिलीवरी देखते हैं तो उसमें 17 साल लगेंगे। वैसे इस चीज को देखते हुए भारतीय थलसेना की तरफ से एक 3-फेज इंडक्शन मॉडल बनाया गया है और इस 3-फेज इंडक्शन मॉडल के तहत पहले स्टेज के दौरान 1750 का 10% कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट से 4 साल के अंदर भारतीय थलसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी और उसके बाद आने वाले वेरिएंट में इम्प्रूवमेंट्स ऐड किए जाएंगे। स्टेज 2 के दौरान ये इम्प्रूव्ड वेरिएंट भारतीय थलसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी और इस दौरान लगभग 40% यूनिट्स भारतीय थलसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। वहीं स्टेज 3 के दौरान बाकी बचे हुए 50% यूनिट भारतीय थलसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी और इनमें स्टेज 2 के कंपैरिजन में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। यानी कि ओवरऑल आने वाले समय में भारतीय थलसेना की तरफ से जो अप्रोच फॉलो की जाएगी वो इंक्रीमेंटल चेंजेस वाली अप्रोच होगी और इस तरीके की अप्रोच के कारण भारतीय थलसेना के लिए फ्लीट मैनेजमेंट काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भारतीय थलसेना की तरफ से RFI में ही मेंशन किया गया है कि ये सिस्टम एक मॉड्यूलर सिस्टम होना चाहिए जिसको काफी आसानी से अपग्रेड किया जा सके। अगर मोबिलिटी की बात की जाए तो इस सिस्टम का वेट भारतीय थलसेना की तरफ से स्पेसिफाई नहीं किया गया है, हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि ये सिस्टम एम्फीबियस होना चाहिए, इसमें 2.5 टन कॉम्बैट वेट कैरी करने की क्षमता होनी चाहिए, ऑन रोड स्पीड 70 km/h से ज्यादा होनी चाहिए, क्रॉस कंट्री चाहे वो प्लेन में हो या डेजर्ट में वो 35 km/h से ज्यादा होनी चाहिए और रिवर्स स्पीड 20 km/h से ज्यादा होनी चाहिए। मोबिलिटी सेगमेंट में जितनी भी चीजें दी गई हैं, चाहे वो ग्रेडियंट हो, साइड स्लोप हो, वर्टिकल स्टेप हो, ट्रेंच विड्थ हो या ग्राउंड क्लियरेंस हो, ये सारे के सारे पैरामीटर्स मॉडर्न डे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं। लेकिन असली पंच आता है फायर पावर सेगमेंट में। फायर पावर सेगमेंट में मिनिमम 30 mm की मेन गन मांगी गई है और अगर मेकर ये चीज इंश्योर कर सकते हैं कि पावर टू वेट रेशियो 30 hp/ton होगा तो बड़ी गन भी इसमें लगाई जा सकती है। ये सिस्टम 3rd generation एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर करने में सक्षम होना चाहिए। अगर सक्सेसिव लॉन्च की बात की जाए तो 30 seconds के अंदर ये सिस्टम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा इस सिस्टम में 6 और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें मैन पोर्टेबल ग्राउंड लॉन्चर का भी प्रावधान होना चाहिए, यानी कि अंदर बैठे क्रू जरूरत के अनुसार बाहर निकलकर इस मैन पोर्टेबल ग्राउंड लॉन्चर की मदद से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर कर सके। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिस्टम लॉयटरिंग म्यूनिशन फायर करने में सक्षम होना चाहिए। ये लॉयटरिंग म्यूनिशन लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी से लैस होने चाहिए। इस सिस्टम में किसी भी समय पर 2 लॉयटरिंग म्यूनिशन कभी भी लॉन्च करने के लिए तैयार होने चाहिए और 2 और लॉयटरिंग म्यूनिशन अंदर रिजर्व में होने चाहिए। ये लॉयटरिंग म्यूनिशन को लोड करने की मैकेनिज्म वेंडर के ऊपर छोड़ी गई है। वहीं पर अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इस सिस्टम में काफी शानदार प्रोटेक्शन मांगी गई है। अगर नेटो स्टैंडर्ड के प्रोटेक्शन की बात की जाए तो स्टेनैग 4569 एक स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड का जो टॉप लेवल है यानी कि लेवल 6, इस सिस्टम में सामने की ओर इस लेवल 6 के प्रोटेक्शन को मांगा गया है, जिसका मतलब ये है कि ये FICV व्हीकल सामने की ओर 30 mm के आर्मर पियर्सिंग राउंड को
500 मीटर की दूरी से आसानी से झेलने की क्षमता रखेगा और साइड में लेवल 4 के प्रोटेक्शन होने के कारण ये हैवी मशीन गन के राउंड्स को भी आसानी से डॉज करने की क्षमता रखेगा। ओवरऑल अगर इस RFI को ध्यान से देखा जाए तो इसमें पूरी तरीके से फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा गया है और काफी बैलेंस तरीके से फ्यूचरिस्टिक डिमांड को रैशनलाइज करके एक RFI में उतारा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसको इंडियन वेंडर्स बनाएंगे और अगर पोटेंशियल इंडियन वेंडर्स की बात की जाए तो टाटा की तरफ से उनके FICV प्रोग्राम के ऊपर काफी पहले से काम किया जा रहा है, साथ ही L&T ने भी अपना प्रोटोटाइप ऑलमोस्ट डेवलप कर लिया है। वहीं दूसरी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से अपने पार्टनर चूज किए जाना बाकी है और साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से भी इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। ओवरऑल इस RFI को देखकर एक चीज समझी जा सकती है कि भारतीय थलसेना की तरफ से एक ट्रू सेंस में फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट सामने रखी गई है और अब ये वेंडर्स के ऊपर है कि कितनी आसानी से वो लोग इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।